हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होल एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो काफी लोग कह रहे थे कि नया जो ड्रोन आने वाला है उसके बारे में कुछ आप बताएं, कुछ अपडेट दें। तो जो ड्रोन लॉन्च होने वाला है ऑलमोस्ट 15 अप्रैल को एज पर लीक्स, वो है DJI Mavic Air 2 का अगला सक्सेसर, यानी कि DJI Mavic Air 2S। ये उसका नाम जो लीक्स आ रही हैं, और काफ़ी कंफर्म लीक्स करता है DJI अपने लॉन्च से पहले, ताकि उत्सुकता बढ़ जाए मार्केट में वर्ल्ड ओवर, और वो बढ़ती भी है। और जो ये लीक्स आती हैं काफ़ी हद तक सच होती हैं। तो क्या खास है नए DJI Mavic Air 2 पार्ट, मतलब उसी का आगे का पार्ट है, कुछ नए लेवल पे नहीं जा रहा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी हैं जो कि एक लेवल पे मैं कहूँ तो बेटर है, बट ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। तो इसके बारे में जाने पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। आप नए चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जैसे मैं शॉर्ट्स में आजकल अपलोड कर रहा हूँ, कंप्यूटर बिल्ड मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके भी वीडियोज़ आएंगे छोटे छोटे। तो एज अ टेक चैनल मैं ये चीज़ भी यहाँ पर लगाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ लोगों को कि ऐसे आप बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर बिल्ड किया जाए और मेरी ड्रोन टेक डॉक्टर की पर्सनल एडवाइस आप लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऑलमोस्ट फॉर्म फैक्टर उसकी तरह ही है DJI Mavic Air 2 की तरह, लेकिन थोड़ा सा वेट का फर्क है। 30 ग्राम भारी है ये ड्रोन। अब ये 30 ग्राम भारी है तो इसमें क्या क्या डाला गया है, वेट का पहला फर्क आता है कि थोड़ा सा हैवियर है। नंबर टू, इसमें इन्होंने आपको मिलेगा OcuSync 3, तो मतलब बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी आपको, थोड़ी रेंज ज़्यादा मिलेगी, एक्टिव ट्रैकिंग 4.0, जिससे ये ट्रैक आपको बेहतर तरह से कर पाएगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस Mavic Air 2 और Mavic 2 Air 2S में ये है कि अब आपको मिलेगा 1 इंच का सेंसर, मतलब कि कैमरे का सेंसर का साइज बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है आपको फुटेज अच्छी मिलेगी, बेटर मिलेगी, 10 बिट कलर के हिसाब से मिलेगी, एंड फोटोग्राफी में भी काफ़ी अच्छा आएगा। और एडिशनल जो फीचर इसमें आने वाले हैं वो है हाइपरलैप्स। जिन लोगों को नहीं पता, तो क्या होता है कि जैसे टाइम लैप्स होता था उसी तरह से हाइपरलैप्स का भी एक वीडियो फॉर्मेट है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। इस तरह को वीडियो को हाइपरलैप्स कहा जाता है। तो वो फीचर आपको इसमें रेडीमेड बिल्ट इन मिलेगा। इसके अलावा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इसके हाई एंड ड्रोन में फीचर थे, वो भी आपको मिलेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने मैप के ऊपर जो आपके पास डिवाइस होती है उसमें आप एक बना दें कि यहाँ पर हमने फुटेज लेनी है, तो ड्रोन अपने आप वहीं की फुटेज आपको जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे लेके दिखाता है। तो स्पॉटलाइट 2 और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको इसमें बिल्ट इन मिलेंगे। बाकी 20 मेगापिक्सल का इसमें आपको फोटोग्राफ्स आउटपुट मिलेगी, एंड 10 बिट कलर HDR हाई डेफिनेशन के फुटेज एंड फोटोग्राफ्स भी आपको इसमें मिलेंगे। बाकी यही सब कुछ था। बाकी कुछ इसके अलावा एक आध चीज़ जो अभी लीक में नहीं आई है, वो जब भी लॉन्च हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो बाकी यही था, और अब आपको बताते हैं रेट। रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, $1300 का US में मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको मालूम है कि इंडिया में क्या है। तो ये था बेसिकली नया वीडियो जिसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। बट एज ऑफ नाउ काफ़ी रेगुलेशंस को लेके काफ़ी हलचल मच गई है इंडिया में पूरे, जो कि लागू हो गए हैं, एंड डेफिनेटली उस पर 1 by 1 सारे वीडियोज़, जो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उस पर बनाऊँगा मैं। एंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है जिसका मैं आंसर करने वाला हूँ, कि जिसके पास आप DJI ड्रोन है, जो कि बहुत ही चिंता की और काफ़ी सोचने वाली बात है, कि अब उसका उनका क्या होगा जिनके पास DJI ड्रोन है, जैसे मेरे पास है, आप सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो उनके पास होगा। व्हाट विल हैपन टू दोज ड्रोन्स, दोज DJI ओनर्स जिनके पास, हु ऑलरेडी हैव DJI ड्रोन, हाउ दे विल गेट दैट ऑल फॉर्मेलिटीज डन, वो जो दस्तावेज चाहिए इस DJI ड्रोन को रजिस्टर करने के लिए, वो हम कहाँ से लाएंगे, हमारा क्या बनेगा, हमारे ड्रोन्स का क्या बनेगा। तो आप अगर उत्सुक हैं इसको लेके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और बताइए अच्छे से कमेंट बॉक्स में, तो भी जल्द से जल्द मैं वीडियो में लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।